हाय, मेरा नाम सचेत पाटनी है। मैं कलकत्ता का रहने वाला हूं और मैं एक फ़ुटबॉल का खिलाड़ी हूं। अभी हाल फिलहाल ही फुटबॉल खेलते खेलते बॉल सीधा आके मेरे फेस पे लगी और मेरा टीथ जो है पूरा टूट गया, वो पूरा बाहर आ गया। मेरे को बहुत टेंशन हो गया कि अब कैसे करना है, क्या करना है, और काफ़ी पेन भी हो रहा था। तो मैं सीधा कलकत्ता से फ़्लाइट पकड़ के यू डेंट हॉस्पिटल पे आ गया, उनके ब्रांच पे, और मैं डॉक्टर को बोला कि प्लीज़ मेरी स्माइल वापस ला दो और जैसा मेरा पहले टीथ था वैसा वापस कर देने के लिए। मैं अभी बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरा दांत टूट गया है और मेरे लिए मेरी स्माइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अब यहाँ ये जो स्पेस बन गया है वो मैं बहुत ही परेशान और तकलीफ़ में हूँ। मैं डॉक्टर अंकल से यही उम्मीद रखता हूँ कि मेरी स्माइल वापस जल्दी आ जाए और ये जो दांत है वो वापस फिक्स हो जाए। मैं यहाँ पे अपना इम्प्लांट का ऑपरेशन कराने आया हूँ और डॉक्टर अंकल कह रहे हैं कि एक ही दिन में मेरी स्माइल वापस आ जाएगी। तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आज ही मेरा ऑपरेशन ढंग से हो जाए और मैं देख सकता हूँ कि कल मेरी स्माइल वापस आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने जो पेशेंट है उनका नाम सुचेत है, वो कलकत्ता से है। ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, तो फुटबॉल की इनके चेहरे पर चोट लगी और इस वजह से इनके एक दांत पूरी तरह निकल चुका है, मतलब आधा हिस्सा निकल चुका है। आधा हिस्सा जो दांत का जड़ वाला हिस्सा है वो दांत के अभी अंदर ही है और इनका चेहरा ऐसा हो गया। दूसरा जो दांत है वो लगभग आधा टूट चुका है। अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि इनका नेचुरल टूथ तो जो आधा टूटा हुआ उस पर तो हम केप लगा देंगे, लेकिन जो कंप्लीट अंदर तक टूट गया है उसकी बचे हुए पार्ट को निकाल करके उसकी जगह इम्प्लांट लगा के और कल इनके दांत लगा देंगे। ये बड़े डरे हुए हैं कि इनकी स्माइल पता नहीं वैसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं श्योर हूँ कि आज हम थोड़ी सी माइनर सर्जरी है, इनकी रूट को निकालेंगे, एक इम्प्लांट लगाएंगे और कल 24 घंटे के बाद इनके पूरे जो दांत टूटा हुआ है वो दांत भी लग जाएगा और इनकी स्माइल वापस पहले जैसी आ जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी चोट लगे तो आपको डरना नहीं है, होपलेस नहीं होना है, क्योंकि डेंटिस्ट्री में अब इतना डेवलपमेंट, इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी वापस नेचुरल स्माइल पा सकते हैं। कई बार हमारे यहाँ चोट लग जाए या दांत टूट जाए तो हम एंजाइटी में आ जाते हैं, हम घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या मैं पहले जैसा मुस्कुरा पाऊंगा, नहीं मुस्कुरा पाऊंगा। तो इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप अपनी मुस्कुराहट वापस पहले जैसी पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सर्जरी। मैं इनके अंदर का टूटा हुआ जो दांत का हिस्सा है मैं उसको पहले बाहर निकालूंगा, फिर उसकी जगह मैं इम्प्लांट डालूंगा और कल मैं इनके वापस लैब में दांत बनके तैयार हो जाएंगे, जो कलर से मैच करता हुआ होगा और इनके पहले जैसा दांत ही होगा, उससे कलर से मैच करता हुआ पहले जैसी एस्थेटिक इनको वापस हम दे देंगे कल। आप कुछ कहना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस बताना, शेयर करना चाहेंगे? मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि आप बेफिक्र होकर यूडेंट आ सकते हैं और यहाँ पे आपका जो भी प्रॉब्लम हो, दांत रिलेटेड, टूथ रिलेटेड, जाए दांत टूट जाए या कोई भी और प्रॉब्लम हो, आप यहाँ के आके एकदम ट्रस्ट करके एकदम बेफिक्र होकर यहाँ पे आ सकते हैं। मैं डॉक्टर राजेश अंकल का बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ और यूडेंट को भी बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ और मैं बहुत ही सैटिस्फाइड हूँ। मेरे दांत, मेरी स्माइल वापस एकदम पहले जैसे आ गई है, एकदम आप देख सकते हैं कलर भी बिल्कुल सेम है, तो मैं बहुत ही थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये मैं थोड़ा सा लिप पूछा करके दिखा देता हूँ, आप इधर आप गौर से देखिए, यहाँ हल्का सा रेडनेस है बस, जो लिप के पीछे जो दो दिन में एकदम इतनी हीलिंग हो नहीं पाती है, तो हल्की सी आप ये देख रहे हैं जिस जगह इसके दांत टूटा था उस जगह हल्की सी रेडनेस है। अदरवाइज ये जो वो दूसरा वाला दांत है जो ब्रेक हुआ हुआ था, ये इम्प्लांट के ऊपर है, ये कैपिंग है उस पर। तो कहीं हमने कोशिश की है कि पूरा कलर और ये सब चीज़ें मैच हो जाए और ये दो या तीन दिन में हल्का सा जो रेडनेस है ये भी चली जाएगी, अभी आराम से बाइट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ खा सकते हैं। आप घबराइए नहीं, अगर कभी आपका दांत टूट जाए या आपका एक्सीडेंट या कोई ट्रॉमा में आपका दांत निकल जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि केवल 12 घंटे या 24 घंटे में आपका वो आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट हो जाता है
और वो हूबहू आपको ठीक वैसा ही रिप्लेसमेंट होता है कि हूबहू पहले जैसा नेचुरल टूथ लाइक लगता है, और आप उसे हर चीज यूज भी कर सकते हैं, खा सकते हैं, आप बाइट कर सकते हैं। और देखिए इम्प्लांट से लोग डरते हैं कि ऑपरेशन होगा, स्क्रू लगेगा, कोई स्वेलिंग तो नहीं आएगी, ये नेक्स्ट डे है, कोई स्वेलिंग नहीं है, किसी भी तरीके का कोई दर्द नहीं है। आप देखिए मैं दबा रहा हूँ पूरी तरह, कहीं बैठे दर्द है आपको नहीं। और यहाँ मैंने स्क्रू डाला हुआ है, जैसा कि आपने देखा कल मैंने इसके स्क्रू डाला था, किसी भी तरीके का कोई दर्द नहीं है। इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप कॉन्फिडेंस रखिए, और डिप्रेस में तो ये चोट लगे आप तुरंत दिखाइए और आप उसका रिप्लेसमेंट कीजिए, और डेंटिस्ट्री के इस एडवांसमेंट का एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूडेंट। यूडेंट इंडिया हॉस्पिटल नियर विवेक विहार मेट्रो स्टेशन न्यू सांगानेर रोड जयपुर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस ऑन 8290705291 और विजिट www.udent.in।